गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। हम पहले भी क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला क्या है, आजकल काम नहीं करते काका मैंने पूछा। लेखक ने किससे पूछा, काका से पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। गांव गांव में क्या हो गया, कांच का प्रचार हो गया है। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। प्रचार, फैलाव, परिचय, मशीन युग, मशीनों का अधिक प्रयोग। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियों से लिया गया है। इस अंश में लेखक बदलू का काम बंद हो जाने का कारण पूछ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जब लेखक बदलू से मिलने उसके घर पहुंचा तो वह नीम के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। लेखक को बदलू ने देर से पहचाना। लेखक ने बदलू से उसके काम के बारे में पूछा। बदलू ने उत्तर दिया कि उसका काम कई साल से बंद था। इसका कारण बताते हुए बदलू ने कहा कि उसकी बनाई लाख की चूड़िया का कोई ग्राहक नहीं रहा था। सभी गाँव में स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनना आरंभ कर दिया। बदलू ने भारी मन से कहा, अब मशीनों से काम होने लगा है, हर क्षेत्र और धंधे में मशीनें आ गई है। बदलू ने कहा कि खेती के काम में भी ट्रैक्टर, बिजली के पंप आदि मशीनों से काम होने लगा था। उसने कहा कि मशीनों से बनी कांच की चूड़ियाँ जितनी सुंदर होती है, लाख की चूड़ियाँ नहीं हो सकती। यह सुनकर लेखक बोला, लेकिन काका आज तो बहुत खतरनाक होता है। कांच तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है। मशीनों ने बदलू का धंधा चौपट कर दिया था। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। लेखक ने बदलू से क्या पूछा। लेखक जब बदलू से मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि न तो वहां बदलू के बैठने की मचिया थी और न ही भट्टी थी। लेखक ने बदलू से उसके काम के बारे में पूछा। बदलू का काम कई सालों से क्यों बंद था। गाँव में कांच की चूड़िया का प्रचार हो गया था, लाख की चूड़िया कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए बदलू का काम बंद हो गया था। बदलू ने आज के युग को मशीनों युग क्यों कहा है। आज के समय में लगभग सभी काम मशीन के द्वारा ही किए जाते हैं। यही कारण है कि बदलू ने आज के युग को मशीन का युग कहा है। बदलू ने अपना काम बंद क्यों होने का क्या कारण बताया। मशीन से बनी हुई कांच की चूड़िया का प्रचार गांव में होना और स्त्रियों द्वारा उन्हें अधिक पसंद किया जाना ही बदलू के काम के बंद होने का कारण था। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर से खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझ लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही तो जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। दमा, श्वास की बीमारी, इसमें बहुत खांसी आती है। अवस्था, आयु, डल चुका, दुर्बल हो चुका। भाप ली, जान ली। फसली, ऋतु बदलने से होने वाले रोग। व्यथा, दुख। मशीन युग, मशीनों का बहुत प्रयोग होना। हाथ काट देना, बेरोजगार बना देना। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियों से लिया गया है। इस अंश में लाख की चूड़िया बनाने वाले बदलू के बेरोजगार हो जाने के कष्ट और उसकी ढलती उम्र का वर्णन
हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। बदलू बोला, सही कहते हो लल्ला, का जल्दी टूटता है। परंतु लेखक ने बात करते हुए बदलू को खांसी आने लगी और देर तक खांस रहा। लेखक को लगा कि उसे दमा की बीमारी हो गई है। उसका शरीर भी उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो चला था। बदलू ने न जाने कैसे लेखक के मन में उठी शंका को जान लिया और कहने लगा कि उसे दमा का रोग नहीं था। ऋतु बदलने के कारण 2 महीने से खांसी आ रही थी। उसे लगता था कि खांसी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसे लगा कि बदलू के मन में धंधा बंद हो जाने का बड़ा दुख था। वह बहुत देर तक सोचता रहा कि मशीनों के प्रचार से अनेक कारीगरों की रोटी रोजी पर संकट आ गया था। इसके बाद दोनों देर तक चुप रहे, परंतु यह चुप्पी लेखक को अच्छी नहीं लग रही थी। अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि बदलू को दमा का रोग था? बदलू बातें करते करते अचानक देर से खांसता रहा, यही देखकर लेखक को लगा कि उसे दमा का रोग था। बदलू के शरीर की दशा कैसी हो चली थी? आयु बढ़ने के कारण बदलू का शरीर ढल चला था। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी। बदलू ने अपनी खांसी का क्या कारण बताया? बदलू ने कहा कि उसे दमे से होने वाली खांसी नहीं थी, वह तो ऋतु बदलने पर हो जाने वाली मामूली खांसी थी। अगला क्या है? मशीन युग द्वारा हाथ काटे जाने का भावार्थ क्या? मशीन युग द्वारा हाथ काटे जाने का अर्थ है कि घरेलू उद्योग धंधे में मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से कारीगर बेकार हो रहे थे। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दिया। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। पश्चात, पीछे, लहक कर, खुश होकर, मुखातिब होना, सामने आना, माफ, क्षमा। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कामतानाथ लिखित कानीला की चूड़िया से उद्धृत है। यहाँ लेखक आम की फसल के बारे में पूछ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या देखते हैं इसकी व्याख्या? लेखक चिंतनीय विषय को बदलने की दृष्टि से पूछता है कि इस बार आम की फसल कैसी हुई। जवाब में बदलू प्रसन्न होकर कहता है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई लल्ला। कहते कहते उसने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाई कि लल्ला के लिए कुछ आम लेकर आओ। फिर लेखक की ओर देखते हुए कहा कि लल्ला माफ़ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। लेखक ने कहा कि काका, मैंने इस बार बहुत आम खाए, अब ना खा सकूंगा। लेकिन बदलू से बिना आम खिलाए न जाने की कह रहा था। लेखक को याद आया कि बदलू काका मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक को बदलू की गाय याद आ गई। उचित गद्यांश का उचित शीर्षक लिए। उपयुक्त शीर्षक आम की फसल। लेखक ने विषय बदलते हुए क्या कहा? आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने विषय बदलते हुए कहा। बदलू ने किस बात पर लेखक से माफ़ी मांगी? आम खिलाने के भूल जाने पर बदलू ने लेखक से माफ़ी मांगी। लेखक को कौन से दिन याद आ गए? लेखक को वे दिन याद आ गए जब बदलू उसके लिए मलाई बचाकर रखता था। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इनको यहाँ तक पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है। जो ये क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और फिर इनको अच्छे से लर्न करना है। पहले इन जो ये पैराग्राफ है इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना, फिर इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
ओके ओके, थैंक यू बच्चों।